बिना कारण यहाँ कुछ नहीं होता, परिक्रमण हो या हो धूप व छांव। पक्षी कैसे आसमान छू लेते हैं, क्यों मानव के हैं धरती पर पांव। नमस्कार, मैं हरीश भार्गव, अब सीखेंगे विज्ञान मेरे साथ लक्ष्य के मंच पर। नमस्कार, तेज हरियाणा के फटाफट 25 खबरों के बुलेटिन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज है 26 फरवरी दिन शुक्रवार। आपसे पहली गुजारिश, यदि आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि हर अपडेट हम अब तक सबसे पहले पहुंचा पाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हरियाणा की पहली खबर के साथ। खट्टर सरकार से समर्थन वापस लेने वाले हरियाणा के विधायक बलराज कुंडू के 40 ठिकानों पर इनकम टैक्स के छापे। हरियाणा के निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू के घर और ससुराल समेत 40 ठिकानों पर गुरुवार सुबह से ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीमें छापे मारती रहीं। बलराज 26 जनवरी को दिल्ली में हुई किसानों की ट्रैक्टर परेड में शामिल हुए थे। वो पहले दिन से ही किसान आंदोलन में शामिल हो गए थे। बलराज ने आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिवारों को 2-2 लाख रुपये की आर्थिक मदद देने का ऐलान भी किया था। साथ ही टिकरी बॉर्डर पर किसान रसोई शुरू की थी। रोहतक के महम से निर्दलीय विधायक बलराज के जिन ठिकानों पर इनकम टैक्स ने छापा मारा है उनमें सेक्टर 14 स्थित उनका घर, हांसी स्थित ससुराल भी शामिल है। अधिकारियों ने अभी छापे के संबंध में कुछ भी पुष्टि नहीं की है। बलराज हरियाणा की खट्टर सरकार से समर्थन वापसी का ऐलान कर सुर्खियों में आए थे। कुंडू ने कहा था कि वे भ्रष्ट सरकार को समर्थन करने वाले मुख्यमंत्री से अपना समर्थन वापस लेते हैं। कुंडू ने पूर्व की बीजेपी सरकार में सहकारिता मंत्री रहे मनीष ग्रोवर पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर जांच की मांग की थी। इसी विवाद के चलते उन्होंने समर्थन वापस लेने का ऐलान किया था। पूर्व सांसद अशोक तंवर ने अपना भारत मोर्चा बनाया, एक साल तक संगठन मजबूत करेंगे, फिर विधानसभा और लोकसभा में लड़े जाएंगे चुनाव। कांग्रेस पार्टी को गुडबाय कहने के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव, यूथ कांग्रेस के प्रभारी और हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष जैसे अहम पदों पर रह चुके पूर्व सांसद अशोक तंवर ने क्लीन पॉलिटिक्स के मकसद से अपनी नई पार्टी अपना भारत मोर्चा का गठन कर लिया है। इसका ऐलान गुरुवार को तंवर की पत्नी अवंतिका मांकन और मोर्चा के अन्य कार्यकर्ताओं ने चंडीगढ़ में किया, जबकि अशोक तंवर ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ इस पार्टी का दिल्ली में लॉन्च किया और वहीं से लाइव जुड़े। कार्यकर्ताओं के मुताबिक वर्तमान में जो माहौल राजनीति में है वो दूषित हो चुका है, ऐसे में साफ सुथरी राजनीति ही देश का कल्याण कर सकती है। इसलिए कांग्रेस पार्टी को छोड़ने के बाद उन्होंने पूरे हरियाणा में भ्रमण किया, लोगों से मिले और उनकी नफस को समझते हुए इस मोर्चे का गठन किया है जो दबले कुचले लोगों के लिए एक मसीहे की तरह काम कर सके। डीजल, पेट्रोल और गैस के बढ़ते दामों के विरोध में कांग्रेस का जुलूस। प्रदेश अध्यक्ष बोली, किसानों पर सरकार की दोहरी मार। हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा के नेतृत्व में कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई के विरोध में गुरुवार को पानीपत में पैदल यात्रा निकाली। लाल बत्ती में कार्यकर्ताओं से बातचीत करने के बाद प्रदेश अध्यक्ष समेत सैकड़ों कांग्रेसी बाजारों में निकल गए। मुख्य बाजारों में यात्रा के बाद वापस लाल बत्ती पहुंचे। प्रदेश अध्यक्ष ने महंगाई से आम जनता के त्रस्त होने के साथ साथ इसे किसानों पर दोहरी मार बताया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हर चीज के दाम आसमान छू रहे हैं, पेट्रोल डीजल और गैस के दामों में लगातार वृद्धि हो रही है, सब्सिडी घटती जा रही है, महंगाई के कारण आम आदमी परेशान है, मध्यम और उच्च वर्गीय लोगों का भी बजट बिगड़ चुका है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी से किसानों पर दोहरी मार पड़ी है। किसान पहले ही अपनी मांगों को लेकर 3 महीनों से सड़कों पर बैठा है, ऐसे में डीजल के दामों में बढ़ोतरी से किसान की लागत बढ़ जाएगी, जबकि सरकार फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य गारंटी तक नहीं दे रही। ब्लॉक समिति के पूर्व चेयरमैन को हिसाब करने के बहाने बुलाया, फिर जहर पिलाकर मार डाला। पलवल में गुरुवार को ब्लॉक समिति के पूर्व चेयरमैन की हत्या कर दिए जाने का मामला सामने आया है। मामला पैसे के लेनदेन का लेकर बताया जा रहा है। परिजनों के मुताबिक उसे हिसाब करने के बहाने घर पर बुलाया, फिर जहर पिला दिया। पता चलने पर परिजनों ने आनन फानन में हॉस्पिटल पहुंचाया, लेकिन वहां उनकी मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को नामजद करके आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में युवराज सिंह को बड़ी राहत। दलितों पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में वीरवार को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने क्रिकेटर युवराज सिंह को बड़ी राहत दे दी। हाईकोर्ट ने एफआईआर पर किसी भी तरह की कार्रवाई करने पर रोक लगाते हुए सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। हांसी में दर्ज एफआईआर में गिरफ्तारी से बचने के लिए क्रिकेटर युवराज सिंह ने हाईकोर्ट की शरण ली थी।
विज ने साफ किया है कि एक कानून विधानसभा से पास करवाने की पूरी तैयारी हो गई है। ड्राफ्ट को 5 मार्च से शुरू होने जा रहे सेशन में पेश भी कर दिया जाएगा। हरियाणा में लगातार बढ़ रही लव जिहाद की घटनाओं को लेकर गंभीर सूबे की मनोहर सरकार इसी बजट सेशन के दौरान लव जिहाद मामलों को लेकर बिल लाने जा रही है। इसका ड्राफ्ट तैयार हो गया। गुरुवार को इस मद में गृह मंत्री विज ने अहम बैठक भी ली। ड्राफ्ट पर गृह मंत्री की सहमति बन चुकी है। अब इसका इसी बार के सत्र में आना तय है। हरियाणा में बढ़ रहे लव जिहाद की घटनाओं पर गंभीरता दिखाते हुए विज ने साफ कर दिया कि इसी बार के सत्र में बिल लाने की तैयारी कर ली है। विज ने साफ कर दिया कि एक कानून विधानसभा से पास करवाने की पूरी तैयारी हो चुकी है। ड्राफ्ट को 5 मार्च से शुरू होने जा रहे सेशन में पेश भी कर दिया जाएगा। चंडीगढ़ में गुरुवार को देर शाम हरियाणा सचिवालय में लव जिहाद ड्राफ्ट कमेटी की अहम बैठक लेकर विज ने तैयार ड्राफ्ट पर अपनी सहमति जाहिर की है। सरपंचों से शक्तियां वापस लेने पर हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब। हरियाणा में पंचायत चुनाव की तारीख जारी होने से पहले 23 फरवरी तक सरपंचों से शक्तियां वापस लेकर प्रशासक नियुक्त करने को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिका पर हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार वन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिका दाखिल करते हुए देवेंद्र सिंह वन्य ने हाईकोर्ट को बताया कि प्रावधान के अनुसार पंचायत चुनाव की घोषणा के बाद ही सरपंच अपना पद छोड़ते हैं। पंचायत से लोगों के कई काम होते हैं और यदि पंचायत भंग हो जाएगी तो लोगों को छोटे छोटे कार्यों के लिए प्रशासक के पास जाना होगा। प्रशासक BDPO होता है जिसके अधीन सैकड़ों गांव होते हैं। ऐसे में उनके लिए संभव नहीं होगा सभी का काम हो सके। अभी चुनाव कब होगा ये सुनिश्चित नहीं है तो कैसे गांव के विकास को अनिश्चित काल के लिए विराम दिया जा सकता है। याची ने कहा है कि गाँव के विकास में भी देश का विकास होता है और यदि गाँव का विकास रुक जाएगा तो देश का विकास भी थम जाएगा। MP और MLA पर लंबित आपराधिक मामलों को जल्द निपटाएं हाईकोर्ट का आदेश। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा पंजाब और चंडीगढ़ के सभी जिला 70 न्यायाधीशों को MP व MLA पर लंबित आपराधिक मामलों को जल्द से जल्द निपटारा सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। साथ ही अगली सुनवाई पर हरियाणा पंजाब और UT के IG को पेश होकर उनके क्षेत्र में आने वाले ऐसे लंबित मामलों की जानकारी सौंपने का आदेश दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुरूप माननीयों पर लंबित मामलों पर लंबित ट्रायल का जल्द निपटारा सुनिश्चित करने के लिए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट मित्र वरिष्ठ वकील रुपिंदर खालसा ने हाईकोर्ट को बताया है कि अभी हाईकोर्ट में एकल बेंच के समक्ष 2 ऐसे मामले लंबित हैं। साथ ही उन्होंने सुझाव दिया कि इस मामले में केंद्र सरकार CBI ED केंद्रीय जाँच एजेंसियों से भी माननीयों पर लंबित मामलों की जानकारी मांगी जानी चाहिए। पंखा बनाने की फैक्ट्री में लगी भयानक आग, 2 की मौत। सोनीपत के कुंडली औद्योगिक क्षेत्र में बुधवार देर रात पंखा बनाने की फैक्ट्री में भयानक आग लगी जिससे 2 श्रमिकों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से फैक्ट्री में आग लगी थी जिसके बाद लाखों का सामान तो जलकर राख हो गया। सूचना के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और रात भर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बता दें कि बीती देर रात एक पंखा बनाने की फैक्ट्री में भयानक आग लगी थी। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट ही इसकी मुख्य बड़ी वजह है। नए DGP की ताजपोशी के लिए 7 नामों का पैनल तैयार। आखिरकार हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज की नाराजगी का असर दिखने लगा। हरियाणा के गृह विभाग अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा की ओर से नए DGP की ताजपोशी के लिए 7 नामों का पैनल बनाकर तैयार कर लिया गया है। इतना ही नहीं, गृह मंत्री के तलख तेवर के बाद ACS होम की ओर से यह पैनल तैयार कर गृह मंत्री अनिल विज के ऑफिस भेज दिया गया है। गुरुवार को यह तय है कि पैनल केंद्र को भेजा जाएगा। बुधवार को गृह मंत्री मिले थे और चंडीगढ़ ऑफिस नहीं आए, इसलिए अब नामों का पैनल गुरुवार को जाने की उम्मीद जताई गई थी। 2 दिन पहले ही प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने नाराजगी जाहिर करने और नामों का पैनल भेजने के स्पष्ट आदेश के बाद में हरियाणा DGP मनोज यादव की विदाई अब लगभग तय है। अब पूरे मामले में ढील और सुस्त चाल को देखते हुए अनिल विज ने अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा के वरिष्ठता क्रम में नामों का पैनल तैयार करने के साथ इसमें देरी नहीं होने की साफ हिदायत दी थी। महापंचायतों को लेकर रात कुछ संगठन बॉर्डर पर संख्या बढ़ाने के पक्ष में। किसान नेता राकेश टिकैत और कुछ संगठनों द्वारा लगातार जारी महापंचायतों का अब और भी संगठनों ने विरोध करना शुरू कर दिया है। महापंचायतों को लेकर किसान संगठनों में रार होती दिखाई दे रही है। इससे पहले भी किसान नेता गुरनाम सिंह चंदोनी किसान पंचायतों को लेकर विरोध जता चुके हैं। अब फिर से कुछ संगठनों ने किसान पंचायतों के बजाय बॉर्डर पर किसानों की संख्या बढ़ाने की ओर ध्यान देने के बारे में कहा है। भारतीय किसान यूनियन के 2 संगठनों ने टिकैत की महापंचायतों को लेकर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि जब किसान दिल्ली बॉर्डर पर इकट्ठा है तो वहीं पर सभी तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना चाहिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर ने अधिकारियों को शिक्षा का एक ऐसा सिस्टम विकसित करने के निर्देश दिए हैं जिसके तहत बच्चों को KG-2 PG शिक्षा एक साथ संस्थान में मुहैया करवाई जा सके।
उन्होंने दो ऐसे विश्वविद्यालय चिन्हित करने को कहा जहां शुरू से ये सिस्टम लागू किया जा सके। मुख्यमंत्री राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, जिला शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण संस्थानों और खंड शैक्षणिक एवं प्रशिक्षण संस्थानों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि निजी संस्थानों की एक्रीडिशन का सिस्टम बनाया जाए, उनकी निरंतर मॉनिटरिंग की जाए ताकि वे मानकों पर खरा उतरें, साथ ही सरकारी संस्थानों को फिर से चालू करवाया जा सके। हैफेड के गोदामों में लगेंगी सीसीटीवी, समय पर शुरू होगी फसल की खरीद। हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने हैफेड के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आने वाली गेहूं, सरसों व चना की फसल की खरीद की तैयारियां समय पर रहते आरंभ कर दें ताकि किसानों को किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। सहकारिता मंत्री हैफेड के अधिकारियों की एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। इसी हैफेड के चेयरमैन कैलाश भगत, सहकारिता विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कैशल मौजूद रहे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा है कि गोदामों में सीसीटीवी कैमरे भी लगवाए जाएं ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना को रोकने का समय रहते उपाय किया जा सके। इसके अलावा उन्होंने रेवाड़ी, नारनौल में तेल मिलों के नवीनीकरण के बारे में विचार विमर्श करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे जल्द से जल्द इस कार्य को पूरा करवाएं। चार राज्यों में मोस्ट वांटेड संपत नेहरा और काला जठेड़ी गैंग के शार्प शूटर समेत तीन बदमाश काबू। हरियाणा सहित चार राज्यों में वारदात को अंजाम देकर फरार चल रहे संपत नेहरा और काला जठेड़ी गैंग के दो शार्प शूटर सहित पुलिस ने तीन आरोपी तक पकड़े हैं। पकड़े गए आरोपियों में बहल केढ़ानी केहरा निवासी राजेश, राजस्थान के बरासर गांव निवासी बंसीलाल और बंसी तोशाम के ईश्वर सिंह मौजूद हैं। तीनों ने राजगढ़ खमीरवास क्षेत्र थाने के ढाणी मौजा में 5 फरवरी को गैंगवार में प्रदीप जैतपुरा की हत्या कर दी थी। पुलिस ने तीनों को बिना नंबर जीप में गांव कसनी से शेरला के कच्चे रास्ते पर गिरफ्तार किया। बदमाशों से बरामद जीप से पुलिस को दुनाली बंदूक के अलावा 4 पिस्टल, देसी 7 खाली मैगजीन, 80 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। राहुल गांधी की रैली कर हरियाणा में किसान आंदोलन को धार देगी कांग्रेस, नेताओं ने की रणनीति तैयार। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अब राज्य में राहुल गांधी की रैली कर किसान आंदोलन को गति देने का काम करेगी। इसके लिए नई दिल्ली स्थित 15 गुरुद्वारा रकामगंज गंज रोड स्थित पार्टी कार्यालय में प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल के साथ प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा और पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा ने रैली के लिए रणनीति तैयार की है। बैठक में कांग्रेस कार्यसमिति के विशेष आमंत्रित सदस्य में विधायक कुलदीप बिश्नोई, विधायक पूर्व नेता हरियाणा कांग्रेस विधायक दल किरण चौधरी, कांग्रेस कार्यसमिति के विशेष आमंत्रित सदस्य व सांसद दीपेंद्र हुड्डा, कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव विदिंदर राठौर, हरियाणा कांग्रेस महासचिव डॉक्टर अजय चौधरी मौजूद रहे। पलवल जिले में अलग अलग सड़क हादसों में 4 लोगों की मौत हो गई, मरने वालों में एक महिला भी शामिल है। पुलिस ने स्वजनों की शिकायतों पर आरोपितों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। दिग्विजय सिंह चौटाला का बड़ा बयान, बोले मैं अभय सिंह चौटाला से पूछना चाहता हूं उनके इस्तीफे से क्या हो गया। अपने विभाग का अंदाज और स्पष्टवादी विचार रखने वाले इनसो के राष्ट्रीय अध्यक्ष उप मुख्यमंत्री के भाई दिग्विजय सिंह चौटाला ने एक विशेष बयान में कहा है कि चाचा अभय सिंह चौटाला और नेता प्रतिपक्ष हुड्डा पर खूब कड़ी टिप्पणियां उन्होंने कर दी हैं। विपक्ष को मालूम है कि अगर 5 साल तक दुष्यंत चौटाला सरकार के साझेदार बनकर लोगों के काम करते रहे तो इनकी दुकान बंद हो जाएगी। उन्होंने कहा कि आज दुष्यंत चौटाला ने अपने सभी महकमों में बहुत सी अनियमितताओं को दूर कर प्रदेश के राजस्व में बढ़ोतरी करने का काम किया है, लेकिन उन पर हवा हवाई आरोप लगाकर उन्हें केवल और केवल बदनाम करने की झूठी साजिश की जा रही है। लेकिन प्रदेश के लाखों कार्यकर्ता जनता के आशीर्वाद और स्नेह के चलते आज उप मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हैं, जो कि विपक्ष के पेट के दर्द का बड़ा कारण है। जो लोग स्वयं अविश्वास में जी रहे हैं, जिनके प्रति लोगों को विश्वास नहीं रहा, वे भूपेंद्र सिंह हुड्डा ऐसी बातें कर रहे हैं तो बहुत ही हास्यप्रद है। अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई हमें बहुत खुशी होगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, उनके मुख्यमंत्री बनने के हसीन सपने इसके बाद बिखर जाएंगे। इस बार के सेशन में अविश्वास प्रस्ताव पर जब बहस होगी तो हर आदमी को वह सुननी होगी, कंवरपाल गुर्जर। हरियाणा के शिक्षा एवं पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कांग्रेस द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इस बार के सेशन में अविश्वास प्रस्ताव पर जब बहस होगी तो हर आदमी को वह सुननी चाहिए। उन्होंने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव इसलिए लाए जाते हैं, उस पर वह लोग डिबेट करना चाहते हैं, किसी विषय पर ज़्यादा बोलना चाहते हैं, ज़्यादा समय लेना चाहते हैं। अगर कांग्रेस मौजूद सरकार के अल्पमत पर अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहती तो ऐसी स्थिति सो कोस भी नहीं है। लेकिन कृषि कानूनों को लेकर अगर वह बहस करना चाहते हैं तो इससे पर तो हमें पिछली बार भी तैयार थे। हरियाणा ग्राम सचिव भर्ती परीक्षा के लिए नई तारीख जारी होने की खबर निकली झूठी। ग्राम सचिव की परीक्षा के लिए
नई तिथि जारी होने की खबर को हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने फेक बताते हुए ऑफिशियली साइट पर नोटिस डाला है। बता दें कि बीते कल ही वायरल हुए पोस्ट में ग्राम सचिव के पेपर की तारीख 2-3 अप्रैल को बताया जा रहा था, लेकिन आयोग ने इसे झूठा बताया और इस तरह की अफवाहों से बचने की अपील की है। कुछ ही दिन पहले भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने चेतावनी दी थी कि जरूरत पड़ी तो खड़ी फसलों में आग लगा देंगे। इसी बयान पर असर इतना हुआ है कि हरियाणा में किसानों ने अपनी अपनी फसलों को नष्ट करना शुरू कर दिया है। कई एकड़ फसल को किसानों ने बर्बाद कर दिया, जिसके बाद किसान नेताओं ने ऐसा न करने की अपील की है, लेकिन इसके बाद भी सिलसिला जारी है। इसी बीच जींद में किसान ने फसल को काटकर गौशाला में दान कर दिया। वीरवार को जींद के दड़ोली गांव में पहले तो किसान ने अपने 1.5 एकड़ में खड़ी गेहूं की फसल को काट डाला, फिर इसी कटी हुई फसल में सिर के बल खड़ा हो गया। सिर के बल उल्टे खड़े किसान ने कहा कि जैसे सरकार ने किसानों को उल्टा किया, वैसे ही अब हम सरकार को उल्टा लटका देंगे। पानीपत में आए दिन चोरों का आतंक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा ही मामला पानीपत के किला थाना के अंतर्गत न्यू दलवीर नगर का है, जहां पति काम पर गया था और पत्नी चुलकाना धाम में दर्शन करने गई थी। पीछे से चोरों ने करीब 18 तोले सोने के जेवरात और 40,000 रुपये पर हाथ साफ कर दिए। पीड़ित परिवार की शिकायत पर मामला दर्ज कर आगामी जाँच शुरू कर दी गई है। हाईवे पर 3 गाड़ियाँ आपस में टकराई, बाइक सवार की गई जान। NH-54 पर डबवाली संग्रह रोड पर गांव आशाखेड़ा के पास कई माह से हाईवे धंसा होने के कारण बड़े हादसे हो चुके हैं। आलम यह है कि बड़े हादसों के बावजूद हाईवे से जुड़े अधिकारी संज्ञान नहीं ले रहे। बीती रात इस गड्ढों की वजह से 3 वाहन आपस में टकरा गए। इन वाहनों की चपेट में एक बाइक पर सवार 2 लोग भी आ गए, जिसमें बाइक सवार को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इसके अलावा कार व पिकअप बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। ट्रक का पिछला टायर भी फट गया है। डबाना गांव की महिलाएं बोली शुक्रिया सरकार। हैरत की बात है कि 2 गांव डवाना और काठूबास की पंचायत होने के बावजूद यहां गांव डवाना बावल विधानसभा क्षेत्र में आता था, वहीं काठूरास रेवाड़ी हलके में पड़ता था, लेकिन अब इन दोनों गांवों की पंचायत अलग अलग बना दी जाने के बाद गांव डवाना में जश्न का माहौल है, जहाँ पर महिलाओं ने मंगल गीत गाए हैं, नृत्य किया और लड्डू बांटे। ग्रामीणों का कहना है कि सरपंच की भेदभावपूर्ण नीति से उन्हें अब छुटकारा मिल गया है। पंचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल पूरा होने के बाद जहां विकास कार्यों को लेकर प्रशासक नियुक्त कर दिए हैं, वहीं पर नई ग्राम पंचायतों का गठन भी कर दिया गया है। इसी के तहत जिला रेवाड़ी के डवाना के अतिरिक्त 6 अन्य नई ग्राम पंचायतें मिली हैं। चुनाव होने से पूर्व बनी ग्राम पंचायतों को लेकर ग्रामीणों में बेहद उत्साह है और उन्हें अधिक विकास की उम्मीद जगी है। घर में घुसकर नाबालिग से जबरन दुष्कर्म, आरोपी फरार। रेवाड़ी जिले में महिला अपराध का ग्राफ निरंतर बढ़ता जा रहा है, जहां एक सप्ताह में ही दुष्कर्म की 3 वारदातें सामने आ चुकी हैं, जो महिला अपराध बढ़ाने की पुष्टि कर रही हैं। रेवाड़ी जिले की नाबालिग के साथ उसी के पड़ोस में रहने वाले 21 वर्षीय युवक ने नाबालिग को उस वक्त अपना हवस का शिकार बना डाला जब युवती शाम करीब 5:30 बजे अपने नए मकान से पुराने मकान में किसी काम के लिए गई थी। जैसे ही युवती अपने पुराने मकान में गई तो पड़ोस में रहने वाले 21 वर्षीय युवक ने अंदर जाकर गेट बंद कर युवती के साथ जबरन दुष्कर्म किया। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस जांच में जुटी है। फरीदाबाद में होटल के कमरे में अधेड़ की मिली लाश। फरीदाबाद में गुरुग्राम को अधेड़ उम्र के एक अधेड़ व्यक्ति की संदिग्ध हालात में मौत होगी। होटल के कमरे में लाश मिलने की सूचना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि होटल में मृतक के साथ दिल्ली की एक लड़की भी थी, लेकिन मौत की घटना का पता उसके जाने के बाद चला। बिजली के खंभे पर मजदूर की करंट से मौत। सनोली थाना क्षेत्र के गांव छाजपुर कला में बिजली का पोल बदलते समय करंट लगने से मजदूर की मौत हो गई। सभी मजदूरों ने बताया कि काम शुरू करने से पहले ठेकेदार को फोन करके लाइन बंद होने की जानकारी ली गई थी। ठेकेदार के हां करने पर ही काम शुरू किया गया, लेकिन लाइन चालू रहने से मजदूर की करंट से मौत हो गई। मजदूरों ने आरोप जड़ा है कि मृतक मजदूर के ठेकेदार पर 2.5 लाख रुपये बकाए थे। रुपये देने से बचने के लिए ठेकेदार ने जानबूझकर चालू लाइन को बंद होने की बात कही थी। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। हरियाणा की फटाफट टॉप 25 खबरों के बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। यदि आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले पहुंचा सके। और हाँ, किसान आंदोलन से जुड़ी हर अपडेट के लिए आप की क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में जाइए, अपनी राय टाइप कीजिए, हम उसे भी बुलेटिन में शामिल करेंगे। आपको क्या लगता है, किसानों का आंदोलन क्या वाकई सही दिशा में जा रहा है? महापंचायतों को लेकर जिस तरीके की रार सामने आई है, क्या आपके हिसाब से महापंचायतें बंद कर किसानों को वापस बॉर्डर पर जमा होना चाहिए? फिलहाल अविश्वास प्रस्ताव को लेकर कांग्रेस की क्या विचारधारा, इस पर भी कमेंट करें। और अशोक तंवर के नए मोर्चे के ऐलान पर आपको क्या लगता है, क्या वाकई अशोक तंवर अब
देश और हरियाणा की राजनीति को बदल पाएंगे, जिस तरीके के आरोप उन्होंने आज जड़े हैं। तमाम बातों पर आपकी बेबाक राय कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। आप सबका दिन शुभ रहे। बहुत बहुत शुक्रिया।